ये देखे, ये भैंस का बछड़ा है तो इससे ये देखे। हम लोग जो है बाहर आ गए। तो ये देखे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप कैसे, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक कर से खुश होंगे। मैं भी अल्लाह फजल से ठीक हूँ। मेरी वीडियो देखने वाले जहाँ भी हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। इसने एकदम साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो दुआ जरा से मिले, दुआ जरा दुआ सलाम करो, दुआ देखें कैसे जो है नीचे देख रही है। अभी जो है नींद करके उठ गई है, हमने खाना वगैरह खा लिया है, सारा काम जो है घर का कर लिया है, बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं और झाड़ू वगैरह भी लगा दिया है और खाना भी खा लिया। दोपहर का बर्तन भी हमने धो लिए। दुआ जरा जो अभी उठी है, तो अभी हम लोग जो है जा रहे हैं बाहर, क्योंकि सदाम जो है काम कर रहे हैं तो उनके पास जा रहे हैं। चले देखते हैं कौन सा काम कर रहे हैं। और दुआ जरा देखें, भैंस का बछड़ा है उससे जो है खेल रही है। ये देखें, ये भैंस का बछड़ा है तो इससे ये जो है खेल रही है। ये देखें, हमने खाना वगैरह खा लिया, मैंने दोपहर को बर्तन भी धो लिए। और बकरियां जो है, बकरियों को जो है अभी घास डालना है, वो भी करने जाना है हमें सदाम और मैंने। तो अभी जो है जा रहे हैं उधर सदाम के पास, वो जो है काम कर लें तो फिर जाएंगे बकरियों का घास करने के लिए। हम लोग जो है बाहर आ गए और जो है गंदम की मौसम आ रही है। अभी जो है गंदम का टाइम है, तो हम लोग ने जो है ये देखे, हमारे जमींदार की जमीन थी उसमें ये देखे उन्होंने गंदम जो है बीजा है। और ये देखे हरा भी हो गया, ये देखे दाने वगैरह जो निकल आए, माशाल्लाह से बहुत अच्छी फसल हुई है। ये देखे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सदाम के पास, चले देखें कौन सा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर खड्डे हैं तो बहुत ज्यादा जो है डर लग रहा है, क्योंकि दुआ जरा मेरे पास है तो कहीं हम लोग गिर ना जाएं, इसलिए आराम आराम से जा रहे हैं। और कहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, हमने यहाँ से जाना है। तो अभी हम लोग जो है सदाम के पास में आई हूँ, उसे जो थोड़ा काम करवाना है, थोड़ी सी हेल्प आ जाएगी उसकी, अकेला है इसलिए जा रहे हैं अभी काम करने के लिए। अब इसको क्या कहते हैं उर्दू में? सिंधी में तो ये लोग कहते हैं दंदाल। और पंजाबी में? पंजाबी में पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। पंजाब की रहने वाली हो, तुझे पता नहीं है? नहीं थी, मैं 8 साल रह के आई हूं। 8 साल तो तभी तो तुझे पता तो होगा कुछ ना कुछ। वहां पर जो है ना गंदम वगैरह ज्यादा नहीं बीजते, तो उन लोगों को पता नहीं है कि क्यों गंदम पंजाब में नहीं होती है। नहीं होती है, कम वो जो है बाजार से हटा लेते हैं। अच्छा, गंदम नहीं बीजते वो, जो है सारी बहुत ज्यादा लगाते हैं, और जो है गाजर, लाल गाजर, तो इसका तो मुझे भी नहीं पता है उर्दू में क्या कहते हैं, सिंधी में हम लोग इसे दंदार कहते हैं। तो चले काम कर ले, अब कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से करना है, यहाँ से। हाँ, इसे डबल लगाना है कह रहा। बस लगा लेते ना, ये जो है गंदम की तैयारी हो रही है। और अगली वीडियो भी जो है आपके साथ मैंने शेयर की थी, आज जो है घर के करीब ही ये जमींदार की जमीन है जिसमें जो है हम काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी जो है आज शाम के टाइम जो है हमें मजदूर मिलेगी। और इस वक्त हम दोनों, मेरी अहलिया और मैं जो है काम में बहुत ज़्यादा जो है मसरूफ़ हैं, तो वीडियो भी घर की जो है नहीं बना पाते। इंशाल्लाह अभी जो है साग भी उतरने वाले हैं और सरसों का साग, वो भी जो है उसकी रेसिपी
ऐसी अच्छी बना के जो है आपको दिखाएंगे कि आप देख के कहेंगे वाकई भी सिंध की जो है और विलेज की लाइफ कुछ अजीब और मज़ेदार है। तो थक गए हैं बहुत। और एक और बात के ये देखें ये इसकी ये हालत है। ये देखें वाह दे और दुआ देखें कि मिट्टी में कैसे कर रही है। देखें बाबा यार भी आवा दिया भैया बाबा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर आई हूँ। ये देखें मैं जो यहाँ पर आई हूँ, सदाम भी आया मेरे साथ। और ये देखें नीम की जो है टारी उतारने आए हैं क्योंकि बकरियाँ जो है खाएंगी अभी। ये मैंने आपको बताया था कि बकरियों का जो है घास करना है, तो ये है बकरियों का घास। ये देखें ये काटेंगे फिर ये उठाकर लेकर जाएंगे। और ये जो फसल कैसी है, किस चीज़ की फसल है, तो ये देख सकते हैं आप। ये फसल है मेहंदी की जो हर दुल्हन को भी लगती है और हर दूल्हे को भी लगती है हाथों पे। तो ये देखें ये हरी हरी मेहंदी है माशाल्लाह से, कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी ज़्यादा बड़ी है, लंबी है। और सदाम देखें कैसे ऊपर चढ़ गए, वो देखें। तो मैं आपको सारी मेहंदी जो है दिखाती हूँ अभी। तो ये देखें सदाम जो है मेहंदी इसकी टारी जो उतार रहे हैं नीम की। क्योंकि अभी जो सर्दियाँ आ गई हैं तो जो घास है बकरियों के लिए हमने बीजा तो है, लेकिन वो जो अभी छोटा सा है, तो ये जो है सर्दियों को बकरियों को देंगे, सर्दी में देंगे तो बकरियों की जो है ठंड भी नहीं लगेगी और जो है पेट में दर्द वगैरह भी नहीं होगा। ये देखें तो ये देखें हरी हरी सी मेहंदी माशाल्लाह से, कितना हरा हरा सा ये मौसम जो है अच्छा लग रहा है, खूबसूरत मंजर है। ये देखें वो हमारा घर है, वो देखें इतनी दूर हम लोग जो है आए हैं यहाँ पर। माशाल्लाह खूबसूरत माहौल, खूबसूरत मंजर, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। आप सोच रहे होंगे कि सदाम हिल क्यों रहा है, क्योंकि मैं खड़ा ही ऐसी जगह पे हूँ ना, इस वजह से दरख्त के ऊपर हूँ और डर रहा हूँ कहीं गिर ना जाऊँ। तो आपको यहाँ का माहौल कैसे लग रहा है? तो व्यूअर्स दरख्त पे जो है मौजूद हूँ और जो है आप देख रहे हैं कि वीडियो मज़ीद में जो है नहीं जो है बना सकूंगा, क्योंकि यहाँ ख़तरा है कहीं मैं जो है गिर ना जाऊँ। तो नीचे उतर के मज़ीद जो है व्लॉग को आगे जो है स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह व्यूअर्स मुर्गे जो है अपनी खुराक जो है यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि चावल की फसल यहाँ रखी हुई थी ना, इस वजह से। तो व्यूअर्स सारे दिन का आपने काम देखा और खेती के जो है हमने प्लॉट भी बनाए और इस वक्त जो है नहा धो के जो है बाहर निकला हूँ दुआ को लेके, क्योंकि दुआ की जो है अम्मी वो जो है खाना जो है बना रही है शाम का यानी रात के टाइम का। और इस वक्त हम अपने मुर्गों के साथ खड़े हुए हैं। तो दुआ देखें कैसे जो है कुकड़ों को भगा रही है यहाँ मुर्गों को। तो व्यूअर्स आपको हमारा आज का व्लॉग कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दो इजाज़त, तभी तक अल्लाह हाफिज़।